हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिकी फैशन वर्ल्ड। आज मैं आपको पेपलम टॉप बनाकर दिखाऊंगी। इसको बनाने के लिए मैंने 1.5 मीटर का फैब्रिक ले रखा है। सबसे पहले मैं इसके अपर पार्ट को बनाना है, तो मैंने जो इसकी लेंथ रखी है वो मुझे तैयार 19 इंच चाहिए, तो मैंने 20 इंच रखा है। हाफ इंच मेरा सिलाई में चला जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ से शोल्डर लेना है, तो शोल्डर हाफ लेंगे हम 6 इंचेस। आपकी जितनी भी शोल्डर हो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। आर्म होल यहाँ से लूँगी मैं 6.5 इंच, मतलब 6.5 इंच। और इस तरीके से मार्क कर लेना है, इस निशान को हम थोड़ा डार्क कर लेंगे। अब इसके बाद हमें इसके बर्स लाइन की मार्किंग करनी है, तो चेस्ट का 4, उसमें 2 इंच प्लस करना है मार्जिन के लिए। तो देखिए इस तरीके से मार्क कर लिया। इसके बाद हमें इसके वेस्ट की मार्किंग करनी है, तो वेस्ट का 4 प्लस 2 इंच रखना है मार्जिन के लिए, और 1 इंच इसमें हमें रखेंगे टक्स के लिए। क्योंकि मैं ये प्रिंसेस कट स्टाइल में बनाकर दिखाऊंगी, तो इसलिए मैंने 1 इंच रखा है टक्स के लिए। अब इस निशान को हम इस तरीके से मिला देंगे। देखिए मैंने मिला दिया। आर्म होल के लिए यहाँ से मैं लूँगी 1.5 इंच, 1.5 इंच बैक आर्म होल के लिए। अब फ्रंट के लिए हम 1 इंच पे रख के हम मार्क कर लेंगे। आप चाहें तो फ्रेंच कर्व की हेल्प से शेप दे सकते हैं। ये देखिए मैंने 1 इंच का मार्क करा और अंदर की गहराई का शेप दे दिया। शेप देने के बाद अब हमें यहाँ से टक्स के लिए जो रखना था वहाँ यहाँ से हम रखेंगे 3.5 इंच। तो देखिए इस तरीके से रखा। अब हम शोल्डर टू जो एपेक्स पॉइंट होता है, जो हमारा टक्स पॉइंट होगा, वो 10 इंच पे रखना है इस तरीके से। और यहाँ से भी हम 3.5 इंच रखेंगे और इस निशान को हम स्ट्रेट मिला लेंगे। और उसमें हमें प्रिंसेस कट ड्रॉ करना है, तो पहले हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरीके से। ये देखिए मैंने ड्रॉ कर लिया। अब देखिए यहाँ से मैंने टक्स की विड्थ रखी थी 1 इंच और लेंथ हम रखेंगे 1.5 इंच पे इस तरीके से। और हमें इसमें शेप देना है, तो आप चाहें तो इस तरीके से शेप दे दीजिए, या फिर आप इसमें थोड़ा सा अंदर से गुलाई का शेप दे सकते हैं। और इस निशान को देखिए इस तरीके से मैंने ये निशान लगा दिया। अब ये आर्म होल के साइड तक लेकर जाना है। देखिए इस तरीके से हमें निशान को ड्रॉ कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से ये मैंने शेप दे दिया है। मैं आपको दूसरी चौक से समझा देती हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए। देखिए यहाँ से हमने आर्म होल के साइड से निशान लगाया जो हमारा टक्स पॉइंट था वहाँ तक, और इस निशान को हम यहाँ तक लेकर आएंगे और इसको हम अच्छे से शेप दे देंगे। तो देखिए इस तरीके से ये मैंने शेप दे दिया है। शेप देने के बाद अब हमें इसकी कटिंग करनी है। मैंने जो ये येलो वाले निशान जो लगाया है उस पर ही आपको रख के कटिंग करनी है। ये मैंने 2 निशान लगा दिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाइए। और देखिए ये इस तरीके से ये निशान होकर आएगा। अब मुझे इसकी कटिंग कर लेनी है, तो पहले जो एक्स्ट्रा साइड का फैब्रिक है वो हम कट कर लेंगे। आर्म होल की भी हमें साथ के साथ कटिंग कर लेनी है। अब ये बैक वाले आर्म होल की कटिंग हो जाएगी हमारी। तो देखिए इस तरीके से कट कर लिया। कट करने के बाद अब देखिए यहाँ पे शोल्डर के नेक के साइड पे हमें 1/2 इंच डाउन करना है। तो यहाँ से हमें नेक विड्थ रखनी है 2.5 इंच और 1/2 इंच हम यहाँ पे नेक टू शोल्डर डाउन करेंगे। देखिए इस तरीके से, और इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। तो मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ, फिर उसके बाद हमें दोनों पीसेस को अलग कर लेना है, क्योंकि फ्रंट बैक दोनों साथ में मैंने कटिंग करी हुई है। तो इसके लिए और जो जितने भी आपके पॉइंट्स हैं वहाँ पे छोटे छोटे कट लगा दीजिए ताकि जब आप सिलाई करें तो प्रॉब्लम नहीं हो। अब देखिए यहाँ से मैंने दोनों पीसेस को अलग कर लिया है, और यहाँ से देखिए फ्रंट पार्ट की हमने कटिंग कर लेनी है। ये जो अंदर की गहराई का शेप था उसकी भी मैंने कटिंग कर ली। आर्म होल के साइड से जो फैब्रिक है वो भी हम कट कर लेंगे। तो देखिए फ्रंट बैक दोनों की कटिंग कर ली है मैंने। अब हमें इसके नेक को रेडी करना है। तो देखिए मैंने पेस्टिंग पे फैब्रिक को पेस्ट करके रखा हुआ है, इसको बीच में से मैंने फोल्ड कर लिया है। नेक लेंथ रखूँगी मैं यहाँ से 8 इंच, फ्रंट नेक के लिए बना रही हूँ मैं। और यहाँ से नेक विड्थ रखनी है 2.5 इंच और हमें इसमें शेप देना है। तो मैं वी नेक ड्रॉ कर रही हूँ, अगर आपको जैसे भी नेक बनाना हो तो आप बना सकते हैं। तो मैंने वी नेक ड्रॉ किया है। यहाँ से मैं देखिए थोड़ा सा मार्जिन दे दूँगी इस तरीके से, और इसमें आपको बस रखना है आप 2 से 3 इंच के बीच में आप फैब्रिक ले सकते हैं एक्स्ट्रा। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है, देखिए, और इसके साइड में है जो इंटरलॉक कर लेना है। अब दूसरे निशान को हम इसके लिए बीच में से फैब्रिक को फोल्ड करेंगे और हाथ से टैप करेंगे, तो दूसरे साइड पे भी हमें सेम ऐसा ही निशान मिल जाएगा।
और उसको हम इस तरीके से डार्क कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से ये मैंने फ्रंट नेक बनाकर रेडी कर लिया है। बैक नेक के लिए मैं आपको दिखा देती हूँ, तो जो बैक नेक रहेगा वो मेरा 2.5 इंच रखी है मैंने लेंथ, और विड्थ भी हम सेम 2.5 इंच पे ही रखेंगे। और इसमें हमें राउंड नेक ड्रॉ कर लेना है। जो नेक की लेंथ और विड्थ है वो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। और सेम ऐसे ही फैब्रिक को बीच में से फोल्ड करना है और टैप करेंगे तो दूसरे साइड पर भी आपको ऐसे ही निशान मिल जाएगा। तो देखिए इस तरीके से ये मेरे फ्रंट बैक दोनों नेक बनकर इस तरीके से आएंगे। इसमें मैं थोड़ा सा यहाँ पे शेप दे दूँगी इस तरीके से, ये देखिए शेप दे दिया। अब हम इसे अपनी फैब्रिक के साथ रख के अटैच करेंगे नेक के ऊपर। तो देखिए मेरा फ्रंट पार्ट था इसको, और ये साइड के जो दोनों पीसेस हैं उनको भी हम साथ के साथ अटैच करेंगे। और नेक को इस तरीके से इसके ऊपर रखना है और पिनअप कर लीजिए, या फिर अगर आप बिगनर हैं तो हाथ से इस पर कच्चा करने के बाद इसके ऊपर सिलाई लगा सकते हैं। तो देखिए पहले मैं यहाँ से रख के इसको पिनअप कर रही हूँ। यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमें इसे पिनअप कर लेना है। यहाँ से भी हम पिनअप कर लेंगे इसको, मतलब आपको ये नेक को अच्छे से फिक्स कर लेना है ताकि जब आप सिलाई करो तो ये हिले नहीं। और ये साइड के जो दोनों पीसेस हैं उसको भी हम साथ के साथ स्टिच कर लेंगे। तो देखिए पहले मैं दोनों पीसेस को अटैच कर रही हूँ, इस तरीके से रखते जाना है। और मैंने इसमें छोटा सा जो कट लगाया था इसको कट को इस तरीके से मिला के रखना है और इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। तो मैंने 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा रही हूँ। ये देखिए बिल्कुल बराबर से आएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आप लाइनिंग के साथ बनाना चाहते हैं तो सेम जैसे ही आपने फैब्रिक को कट किया था वैसे ही लाइनिंग को भी रख के कट करने के बाद आप इसमें सिलाई लगा सकते हैं। तो देखिए इस पार्ट को मैंने सिलाई लगा ली, इसमें मैं दो बारी सिलाई लगाऊंगी। देखिए इस तरीके से हमें दोनों पीसेस को अटैच कर लेना है। अब इसके बाद हम इसके नेक को रेडी करेंगे। तो देखिए नेक के जैसे हमने निशान लगाया है उसी निशान के ऊपर हमें रख के सिलाई लगा लेनी है। और जैसे जैसे सिलाई है डिज़ाइन हमने बनाई है वैसे ही रख के हम इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। अब अंदर की हमें कटिंग करनी है तो 1/2 इंच से भी कम का मार्जिन लेकर आपको इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद इसके ऊपर हम छोटे छोटे इस तरीके से कट लगाएंगे। कट लगाने से ये फ़ायदा होगा जब आप इसे अंदर साइड को टर्न करोगे तो इसमें झोल वगैरह नहीं आएगा, मतलब श्रिंक नहीं आएगा। देखिए इस तरीके से हम बैक वाले पीस को भी सेम ऐसे ही रेडी कर लेंगे। और इसके ऊपर भी हम देखिए इस तरीके से बैक वाला नेक है ये, इसकी भी कटिंग मैंने कर ली इस तरीके से। और इस पर भी हमें छोटे छोटे कट लगाने हैं और इसको भी हम अंदर साइड को मोड़ लेंगे। और इसके ऊपर हमें आयरन करके नेक को फिनिश कर लेना है। तो देखिए मैंने नेक के ऊपर आयरन कर लिया है। अब हम इसके शोल्डर को ज्वाइन करेंगे। तो फ्रंट पार्ट मेरा मैंने नीचे रखा हुआ है, बैक पार्ट को हम इस तरीके से सीधे पे सीधा रखना है। और इस तरीके से शोल्डर वाला साइड है नेक के ऊपर इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पे हमें ये पिनअप कर लेना है। देखिए पिनअप कर लिया, सेम ऐसे ही इस वाले पीस को भी हम इस तरीके से फ्रंट के ऊपर लेकर जाएंगे इस तरीके से। और यहाँ पे हम बराबर से रखने के बाद पिनअप कर लेना है और इसकी सिलाई कर लेनी है। तो मैं ये आपको सिलाई करने के बाद दिखा देती हूँ। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसमें सिलाई लगा ली है। अब ये नेक को हम सीधा कर लेंगे। ये देखिए अब ये आप देख सकते हैं दोनों शोल्डर मैंने ज्वाइन कर लिए हैं, कितनी फिनिशिंग के साथ ये शोल्डर ज्वाइन हुआ और नेक देख सकते हैं आप। अब हमें इसकी साइड की फिटिंग देनी है और जो बैक वाले साइड में जो डार्ट लगानी थी वो हमें सिलाई कर लेना है। तो जो फिटिंग की सिलाई है वो मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से करना है। 2 इंच का मैंने जैसे मार्जिन ले रखा था तो 1.5 इंच पे दोनों साइड पर रख के मार्क कर लेना है और इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। देखिए इस तरीके से पहले फैब्रिक को बराबर कर लीजिए, निशान हमने लगा रखा था। अब नीचे का जो टॉप का फ्रिल है वो देखिए 10 इंच का मैंने फ्रिल लगाना है नीचे, और इसके ऊपर हमें प्लीट्स बनानी है। अगर आप इसमें गैदरिंग करना चाहें तो गैदरिंग भी कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने ये प्लीट्स बना रखी हैं। प्लीट्स को आप अपने टॉप के साथ रख के अटैच करना है। तो देखिए टॉप वाला साइड जो रहेगा वो इस तरीके से हमने रखना है और इसके ऊपर हमने सिलाई लगा लेनी है। देखिए इस तरीके से मैं आपको थोड़ा सा इसमें सिलाई लगा कर दिखा देती हूँ ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए यहाँ से हमने 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए
मैं साथ के साथ फैब्रिक के साथ रख के हमें ये प्लीट्स को मैं बना रही हूँ। ये आप देख सकते हैं, छोटी छोटी प्लीट्स बना रही हूँ क्योंकि ये जो मेरा फैब्रिक है वो थोड़ा सा कम है, तो इसलिए मैं इसमें छोटी छोटी प्लीट्स बना रही हूँ। अगर आपके पास फैब्रिक ज़्यादा है तो आप 1-1 इंच की प्लीट्स बना सकते हैं, या फिर 1/2 इंच या फिर 2-2 इंच की भी प्लीट्स बना सकते हैं। देखिए यहाँ तक हमने लेकर आई सिलाई। यहाँ पे पहले हम थोड़ा सा स्ट्रेट रखेंगे और बैक साइड पे 4 से 5 हमें प्लीट्स लगानी है, और फ्रंट में भी हमें सेम ऐसे ही प्लीट्स बना लेनी है। तो जैसे एक तरीके से आप जैसे नायरा वाली स्टाइल की कुर्ती जो चल रही है उसी स्टाइल पे आप ये पेपलम टॉप भी बना सकते हैं। देखिए इस तरीके से हमें छोटे छोटे प्लीट्स लगा लिए। अब इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये मेरा फ्रंट का व्यू है, नेक देख सकते हैं आप कितना ब्यूटीफुल सा लग रहा है। तो आप भी सिंपल सी प्रिंसेस कट की कुर्ती को बनाकर रेडी करिएगा। ये मेरी पेपलम टॉप बनकर रेडी हो चुकी है। सो होप यू लाइक इट। अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।